लोग फटने का टाइम आया, चुगाई का टाइम आया, पिकिंग का टाइम आया, तो उसके अंदर पता चला किसान को तेरा नरमा अब की बार नहीं पिकिंग होगा, क्यों वो बुनता वो खुला भी नहीं, बाउल होता है जो एक टिंडा होता है वो उसका खुला नहीं, ना खुलने का कारण था उसके अंदर गुलाबी सुंडी, क्योंकि जो गुलाबी सुंडी होती है तो एक टिंडे के अंदर 5 से 6 उसकी कलियां होती है, एक कली के अंदर 2 या 3 बंदोड़े होते हैं, तो उन बंदोड़ों के अंदर जो सुंडी थी गुलाबी सुंडी वो उस बंदोड़ों का रस चूस गई और उस टिंडे के अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने आप खिल जाए। ये सिरसा जिले की कॉटन फैक्ट्री की है जहाँ पे हमारा कॉटन जाता है, उससे जो ये कीट वगैरह है वो इसी फैक्ट्री में नरमे के अंदर होते हैं, वो इन्होंने हमारी सारी सारी फसलें और सारी उम्मीदें ऊपर पानी फेर दिया। मुआवजे से कुछ नहीं होता, ये तो एक किले में 10,000 रुपए दे के क्या होगा 10,000 रुपए से, इसके ऊपर हमारे 30,000 रुपए खर्चा लग चुका है चुगाई बगैर, 8 स्प्रे कर दिए इसमें डीएपी बीजी है, इतना महंगा बीज ले है। तो सारे मिलजुल चुके हैं किसान को मारने के लिए, उम्मीदें टूट चुकी है, उम्मीद है तो सिर्फ एक है, जब तक ये सत्ता के अंदर सरकार रहेगी ये सरकार हमको जेल करा सकती है, सलाखों के पीछे डाल देगी और किसान को सड़क पर आत्महत्या के लिए सरकार तैयार कर देगी और कोई उम्मीद नहीं बची है। सरकार कह रही है बीमे और मुआवजे के अंदर एक ही मिलेगा, जो हम पैसा देकर करवा रहे हैं हम बीमा 4,000 रुपए सेंटर सरकार दे रही है, 4,000 हरियाणा सरकार दे रही है, 2,000 हम दे रहे हैं, 10,000 रुपए हमारा बनता है और उसके बाद में हमें 16,000 रुपए दे रहे हैं, 6,000 कंपनियां दे रही है और कह रहे हैं कि जिसका बीमा हुआ तो ठीक है और पिछले गेड़े तो 2-2 लाख से ऊपर चला गया सिरसा जिला का, अब की बार तो 45,000 हुए हैं, 2 दिन पोर्टल खोला है और किसानों को लॉलीपॉप देने का काम किया है और देखो कह रहे हैं कि जिसका फार्म भरो उसको 8,000 रुपए ये सुंडी ये उनको देंगे और 8,000 रुपए तो किसान इसमें 8-8 स्प्रे कर चुका है पेस्टिसाइड का, उनको भी पता है सभी को ये 1,000 रुपए तो 1,500 रुपए तो किले का खर्चा आता है तो बीज का पानी का किसान की मेहनत का, और कह रहे हैं कि किसान को 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, 400 रुपए दिहाड़ी फैलाए ना किसान तो ये फसल बीज नहीं छोड़ जाएगा किसान। हरियाणा के तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि किसान 3 फसल लेता है, साड़ी सावनी और एक बीमे की। अरे बीमे की फसल कहाँ दे रहे हो आप, अभी 6-6 महीने हम संघर्ष करके सड़कों पे पड़कर हमारे अंदर हमने पहले हमारे किसान भाइयों ने 16 दिन टंकी पर भी रहे, 16 दिन टंकी पर 250 फुट ऊपर भी रहे, उसके बाद में जब हमने जाके लास्ट में जाके सिरसा जिले ने NS9 जो NH9 है भावदी टोल है उसको 24 घंटे हमने जाम किया, उसके दौरान हमको एक बीमा राशि मिली वो 1 महीने के बाद में, जब बीमा राशि किसान को मिलनी थी 3rd महीने के अंदर 800 करोड़ रुपए था हमारे सरकार की तरफ 3rd महीने में मिलने होती है, वो आज 12वें महीने में मिल रही है हमको किसानों को, 10वें महीने में मिल रही है, 6 महीने वो लेट हुई। 800 करोड़ का एक दिन का ब्याज कितना होता है अगर जब बात करें 800 करोड़ का एक दिन का, तो किसान ताउम्र अपनी फसल नहीं कमा, जितनी कमाई फसल में नहीं होती उतना एक दिन का ब्याज होता है कंपनी का, लेकिन जो ये कंपनी है यहाँ हमारी सिरसा के अंदर ACI कंपनी है, AIC कंपनी है, उसी AIC कंपनी को फिर दोबारा किसानों को लूटने के लिए उसी को दे दिया। अरे पहले उसने हमारा प्रीमियम नहीं दिया, हमारा ब्याह वो प्रीमियम हमसे ले लिया, हमारा ये अपना बीमा नहीं दिया, उसके बाद में भी दोबारा लूटने को दे देती है, तो सरकार से हम क्या मांगे, और जिसने हमको लूटा है 6 महीने तक हमारा प्रीमियम नहीं दिया फिर आप उसी को तो लूटने को दे रहे हो, ये सिर्फ किसान सरकार एक किसान को बेवकूफ मानती है, अनपढ़ मानती है, किसान पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको कैसे ही लूट लो आप जी में आए वैसे। एंगा में करेगा 50 आदमी सुसाइड, एंगा में ही होगी सुसाइड, 70,000 रुपया ठेको है जी, क्यों पूरा करांगा, प्रधानमंत्री 2,000 रुपए डाल रहे हैं। हमारी तो ये एक गुजारिश है सरकार अच्छे बीज लेके आए, अच्छा फर्टिलाइजर लेके आए, फर्टिलाइजरों पर भी बढ़िया सब्सिडी दे, बीजों पे भी सब्सिडी दे, अगर जो किसी किसान का फसल में घाटा हो जाता है या फसल के दौरान अगर जो किसी किसान की मौत हो जाती है खेत में काम करते हुए, तो जैसे सरकारी कर्मचारी क्या होता है उनको अच्छी पेंशन भी दी जाती है, उसके बाद में मौत के बाद में उनको एक बजट दिया जाता है, अभी हम आपको 40 लाख का बजट आपके बच्चों के भविष्य के लिए, ऐसी स्कीमें हमारे किसानों के लिए भी होनी चाहिए, जो सबका पेट भरता है उसके लिए क्यों नहीं स्कीम है,
अगर जो किसान के साथ गांठबाद होती है, उसके खेत में उसकी मौत हो जाती है, तो उसका उसको उसके बाद मौत के बाद में उसे अच्छा पैसा भी सरकार को देना चाहिए उसके परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए।